अब मेरे पास दो दो माइक्रोफोन हैं, तो ये माइक्रोफोन वन, हेलो दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं आज आपके सामने यहाँ पर ये जो पेश कर रहा हूँ, ये मेरे दो माइक्रोफोन हैं, तो दो माइक्रोफोन से बारी बारी आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती होगी। ये गोडोक्स का LMS 60G लेवलियर माइक्रोफोन है, और अभी मेरी जो आवाज़ आ रही है वो आपको इसी माइक्रोफोन से आ रही है, जिसमें आप स्मार्टफोन में भी ये माइक्रोफोन लगा सकते हो। दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये आवाज़ की दुनिया के दोस्तों से हमें भारत में लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने सराहा है, और आप लोगों का प्यार हमारे साथ है, तो दोस्तों उसके लिए तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं आप सब लोगों के, और हम क्या, हमारे आने वाली 7 पीढ़ी भी आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, आज की डेट में आपके लिए गोडोक्स कोई तारीफ का मोहताज नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, गोडोक्स, गोडोक्स की लाइट, गोडोक्स की फ्लैश और गोडोक्स की फ्लैश अब भारत के हर एक फोटोग्राफर के पास है। मैं तो बोलता हूँ, जो भी लोग फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है या नहीं है, उनके वहाँ भी कोई ना कोई गोडोक्स की प्रोडक्ट तो होगी। गोडोक्स ने हमें दिया है बहुत सारा प्यार। जी हाँ दोस्तों, गोडोक्स ने जो रेवोल्यूशन हमें दिया है, वो रेवोल्यूशन आज नहीं होता तो हमें भी महंगी महंगी फ्लैशें यूज़ करनी पड़ती। हमारे बजट में आए वैसी फ्लैश, और हमें जो काम करना है वो काम हम कर सके वैसी फ्लैश और लाइटिंग में गोडोक्स ने बहुत सारा रेवोल्यूशन दिया, तो इसलिए गोडोक्स का तहे दिल से शुक्रगुजार। तो दोस्तों, लाइट और फ्लैश में तो गोडोक्स था ही, तो दोस्तों गोडोक्स अब हमारे लिए लाया है माइक्रोफोन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, माइक्रोफोन। ये गोडोक्स का लेवलियर माइक्रोफोन है, गोडोक्स LMS 60G, और एक है गोडोक्स का LMD 40C। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों माइक्रोफोन है। अब ये दोनों माइक्रोफोन में क्या अंतर है, और ये दो अलग अलग मॉडल बनाने का क्या राज है, वो राज मैं आज आपके सामने खोलने वाला हूँ। गोडोक्स के माइक्रोफोन, दोस्तों बिलीव नहीं कर रहे हो ना कि गोडोक्स माइक्रोफोन भी लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये गोडोक्स का माइक्रोफोन है, यानी आज तक हम गोडोक्स की लाइट तो यूज़ करते ही थे, अब गोडोक्स का माइक्रोफोन भी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ओपन करूंगा गोडोक्स LMS 60G। तो अभी फिलहाल मैं 40C को रखता हूं साइड में, गोडोक्स LMS 60G। तो दोस्तों, ये मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये सिलिका जेल काफ़ी अच्छा है, ये आप इकट्ठे करो और इसको आपके कैमरे के बैग में, या आप कैमरा जहीं भी रखते हो वहाँ बॉक्स में ऐसे बहुत सारे सिलिका जेल डाल के रख दो, ताकि बारिश की सीजन में आपको ह्यूमिडिटी से बचाएगा। दूसरा, ये बुक है, तो बुक को भले ही पढ़ो मत, क्योंकि इसमें अंग्रेजी में लिखा होता है, चाइनीज़ में लिखा होता है, लेकिन सांकेतिक लैंग्वेज यानी कि जो साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज में भी इसमें ड्रॉ करके दिखाया होता है, तो उसकी ड्राइंग देख लो, ड्राइंग देखने से आपको पता चलेगा कि चीज़ें क्या और कहाँ पे लगानी है। तो ये बुक मैंने पढ़ ली है, अभी ये छोटा सा पाउच है, जानदार पाउच है, ये पाउच बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, इट्स अ स्मॉल कैरी बैग, तो इसके अंदर से क्या क्या चीज़ निकलती है, वो एक छोटा सा स्पंज, वाओ, एक चिमटा, तो इसको हम रखते हैं, और गोडोक्स का ब्रांडिंग किया है यहाँ पे, आप देखते हो गोडोक्स का क्या जानदार ब्रांडिंग है। तो गोडोक्स का एक वेलक्रो हमें मिलता है यहाँ पे, वेलक्रो से लपेटा हुआ एक केबल है, तो एक ऐसा वेलक्रो अभी मैं साइड में रख देता हूँ, और इसको ओपन करते ही इसका जो टाई वायर है, टाई वायर को भी हम खोल देते हैं। माइक्रोफोन है, ये ऑक्सिलरी टू जैक कन्वर्टर भी इसमें साथ में दिया है, अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा चिमटा, इसको यहाँ पे फिक्स करके मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। फिलहाल इसके अंदर ऑलरेडी बैटरी डाल रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके बीच में एक पेपर फंसा होगा, वो पेपर को रिमूव करना है, स्टिकर ऐसा ट्रांसपेरेंट है आपको पता नहीं चलेगा, इसको रिमूव करोगे तब जाके ये ऑन होगा। तो
तो इसको रिमूव कर दिया और फिर से इसको कर दिया मैंने बंद। इसके ऊपर स्मार्टफोन ऑफ ऑन लिख रखा है और एक और बटन बनाया हुआ है। ओ वाओ, यहाँ पे से हेडफोन निकलेंगे तो मैं हेडफोन लगाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल कैमरा को ऑन किया है। अब बारी है ये मेरा छोटा सा लिटल सा क्यूट सा जो विंड कटर है, विंड कटर को मैं लगाऊंगा। वाओ, इसके अंदर एक रिंग बनाई है। ये बात हमें आपकी बहुत पसंद आई क्योंकि एक बार मैं ऐसे ही एक माइक्रा ऐसा स्पंज लगा रहा था, उसको ऐसा रबर जैसा था ऐसा खींचने गया और वो फट गया। तो ये बहुत ही अच्छा है कि ये डायरेक्ट इसके अंदर, वाह ये लग गया है। अब मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे और ये हमारा जो इसके अंदर आप देख सकते हो एक चिमटा टाइप बनाया हुआ है। तो ये आपको माइक्रोफोन से दूर भी रखना है बिकॉज ये अगर माइक्रोफोन के नज़दीक रहेगा तो इसके अंदर एक सर्किट या कैपेसिटर या कुछ भी जो भी आई डोंट नो दैट इज व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, तो जो भी है उसके साथ अगर नज़दीक होता है तो आपको पता है कि माइक्रोफोन और स्पीकर जब नज़दीक होता है तो एक की सी आवाज़ आती है, तो ऐसे ही आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसको तो ये इसके अंदर हेडफोन का जैक लगाने की भी जगह है बिकॉज मैं खुद कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस या वगैरह कुछ भी बनाता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियो कैसी आएगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैं हेडफोन भी डाल देता हूँ अभी फ़िलहाल। ये जब तक उसमें नहीं जाएगा तब तक हेडफोन में आवाज़ नहीं आएगी, तो मैं इसको लगा दूँगा यहाँ पे मेरा जो पॉकेट है पैंट का उसके यहाँ साइड में, और ये हमारी पिन जाएगी कैमरे के अंदर। लो जी, इसका वायर काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हो ये मेरा 1 मीटर 2 3 मेरा 4 और ये मेरा 5 और यहाँ तक 6, तो 6 मीटर तक का वायर यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो आवाज़ ऑडियो आप सुन रहे हो ये है Godox LMS60G लेवलियर माइक्रोफोन, जो कि ये Godox का LMS60G लेवलियर माइक्रोफोन है। और अभी मेरी जो आवाज़ आ रही है वो आपको इसी माइक्रोफोन से आ रही है जिसमें आप स्मार्टफोन में भी ये माइक्रोफोन लगा सकते हो। तो अभी मेरे DSLR कैमरे से आपको ये ऑडियो पहुंच रही है, तो ये ऑडियो की क्वालिटी कैसी आई डोंट नो बिकॉज मैं अभी सुन नहीं रहा हूँ, ये एडिटिंग के टाइम मुझे पता चलेगा। तो आप लोग अभी तक कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, आपको कमेंट कर देना चाहिए कि इट्स अ गुड ऑडियो और बैड ऑडियो, आपको जैसा भी लगे। तो दोस्तों आवाज़ की दुनिया के दोस्तों की आवाज़ आपको इस माइक्रोफोन Godox LMS60G से, जी हाँ दोस्तों, कैसी लग रही है ये हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अभी समय है Godox LMD40C का, जी हाँ दोस्तों Godox LMD40C। तो अभी बारी है Godox LMD40C की, ये है Godox LMS60G। अबे दोनों में क्या अंतर है उसको देखने के लिए मैं भी बहुत बेकरार हूँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं इसके अंदर भी क्या निकलता है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर से अभी जो निकला वो है फिर से, यानी कि ये दोनों पाउच सेम दिख रहे हैं, तो क्या इसके अंदर सेम चीज़ होगी देखते हैं अभी। ऑक्सीलरी टू जैक मेरा कन्वर्टर, उसको रख दिया अभी साइड में। इसमें से दो स्पंज निकले हैं, उसको भी मैं रख देता हूँ। चिमटा नंबर 1 और चिमटा नंबर 2, ओके दिस इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पे ये माइक्रोफोन है कपल के लिए, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 माइक्रोफोन दिए हैं कपल के लिए। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं और साथी कलाकार, यानी कि हमारे साथ में कोई होता है, दोनों को कुछ ना कुछ स्पीच या सवाल जवाब या इंटरव्यूज़, ज़्यादातर इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो दो अलग अलग माइक्रोफोन लगाओगे तो दिक्कत आएगी। तो अभी मैं आपको इसका वेलक्रो खोल देता हूँ और इसका वायर भी
5-6 मीटर होगा ही, इसको अब नापने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ड्यूअल माइक्रोफोन अगर हम लगाते हैं तो ड्यूअल माइक्रोफोन का परफॉर्मेंस कैसा है। ये एक और वेलक्रो है यहाँ पे, और इसकी वायर भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लंबी होगी। वाह, क्योंकि आमने सामने दो बैठेंगे तो मान लो एक किसी एक को भी लगाया होगा तो दूसरे का अंतर कम से कम 1.5 मीटर तक मैं मान सकता हूँ तब तक हो सकता है। और इसके अंदर भी आपको यहाँ से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होगा, उसको रिमूव कर दें ताकि ये वर्क कर पाए। और ये भी जानदार बनाया है, आप देख सकते हो कि मुझे जब भी बैटरी चेंज करनी होती है तो बैटरी चेंज करने के लिए इसको ओपन करूँगा तो बैटरी इसका बाहर आएगा, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बैटरी मैंने रिप्लेस किया और ये फिर से अंदर। तो थैंक यू वेरी मच गोडॉक्स के ऐसे रेवोल्यूशन के लिए, हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन जो आप लाए हो गोडॉक्स, तो थैंक यू वेरी मच गोडॉक्स। अभी मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और ये माइक्रोफोन का नीचे रखोगे तो स्मार्टफोन है और ऊपर रखोगे तो कैमरा है। तो आपको किस पे शूट कर रहे हो, स्मार्टफोन पे शूट कर रहे हो या DSLR कैमरे से शूट कर रहे हो, तो अभी ये वायर भी मैं ओपन कर देता हूँ। ये मेरे दो चिमटे, ये मेरे दो चिमटे यहाँ पे लग चुके हैं और दो स्पंज भी मैंने एक इस पे लगा दिया, दूसरा माइक कहाँ गया, या ये रहा, और एक इस पे लगा दिया। और फिर से हमारा ये माइक्रोफोन का जैक हम लगाएंगे हमारे कैमरे में। अभी फ़िलहाल ये माइक्रोफोन मैं निकाल देता हूँ, ये सिंगल वाला यानी कि मेरा 60G है, तो ये मेरा 60G यहाँ पे रख दिया। और मेरा ये जो है यहाँ से इसको निकाल के ये लगा दिया। अब मेरे पास दो दो माइक्रोफोन हैं, तो ये माइक्रोफोन 1, हेलो दोस्तों आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं आज आपके सामने यहाँ पर ये जो पेश कर रहा हूँ ये मेरे दो माइक्रोफोन हैं। तो दो माइक्रोफोन से बारी बारी आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती होगी, मुझे नहीं पता। आप जस्ट लाइक मेरे बगल में कोई बैठा है और उसका इंटरव्यू मुझे लेना है तो मैं उनको माइक दे दूँगा और वो भी यहाँ पर लगा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लगा दिया और एक माइक्रोफोन मैं दूर यहाँ पर रख देता हूँ। तो दोनों की आवाज़, माइक्रोफोन 1 माइक्रोफोन 2 की आवाज़, माइक नंबर 1 माइक नंबर 2, एक से भले दो। जी हाँ दोस्तों, ये है गोडॉक्स का 40C LMD 40C, गोडॉक्स का LMC 40C माइक्रोफोन, एक से भले दो, यानी कि दो लोग जब साथ में हो तो उनके बजट में लेवलियर माइक्रोफोन वायर वाला है माइक्रोफोन। वायर काफ़ी लंबा है, 6 मीटर की इसकी सेंध है और दोनों के बीच में 1.5 मीटर का डिस्टेंस है। दोस्तों ये मेरा बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो कि गोडॉक्स ब्रांड वायरलेस माइक्रोफोन LMD 40C, और इसकी प्राइस यहाँ पे 3,490 रुपये LMD 40C की बताई गई है, और यहाँ पे LMS 60G की प्राइस जो है वो 2,990 रुपये बताई गई है जो यहाँ पे है। और इसकी जो वेबसाइट है, यानी कि आपको ख़रीदना है तो इसकी जो वेबसाइट है www.imagenext.co.in, जो मैं ऊपर डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको ईमेल करना है तो pc@imagenext.co.in पे, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये निकिता डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे दिया है। और आप नज़दीकी फ़ोटो गुड्स का संपर्क करें, उनको भी बताएं कि ऐसे ऐसे माइक्रोफोन आप लाए हो, नहीं लाए हो तो आप ये ऑनलाइन से खरीद सकते हो, जो वाजिब दाम और ट्रस्टेबल वेबसाइट है। तो दोस्तों ये दोनों माइक्रोफोन की आवाज़ अभी जो आप सुन रहे हो, ये LMD 40C और आपने पहले भी सुना LMS 60G को, तो दोनों की आवाज़ कैसी है, और ये दोनों माइक्रोफोन आपको कैसे लगे वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो